देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। बजट के पूर्व विशेषज्ञों के सुझाव जानने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अभ्यास मंडल लघु उद्योग भारतीय एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ बैठक की गई। इंदौर में चल रहे विकास कार्यों को जल्द मूर्त रूप देने के उद्देश्य से आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा दिन रात प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर को जयपाल सिंह चावड़ा उन्नति व प्रगति के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर आईडीए दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में इंदौर के विकास को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो कार्य प्रस्तावित किए हैं उसके संबंध में अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने विस्तार से बताया। इसमें मुख्य रूप से विकसित की जा रही विकास योजनाओं को शुरू हो चुके फ्लाईओवर एवं अन्य प्रगतिशील कार्य शामिल थे। इसके पश्चात सदस्यों ने बारी बारी से प्रस्तावित बजट में समाविष्ट किए जाने हेतु कार्यों के संबंध में विस्तार से अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें मुख्यतः आधुनिक इंदौर के विकास के साथ साथ औद्योगिक एवं इंदौर के सर्वांगीण विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा संपन्न हुई। बैठक के दौरान महिलाओं के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर भी प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इस दौरान व्यापारियों ने आउटर रिंग रोड, जहाँ पर मसाला उद्योग, दाल मिल, ऑटोमोबाइल आदि के लिए अलग अलग टाइप से 100-100 एकड़ के अलग क्लस्टर बनाने के लिए भी राय दी। व्यापारियों ने आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्राधिकरण इस बार बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्री चावड़ा के आने के बाद इंदौर में अच्छे काम हो रहे हैं और उनके विचार अति उत्तम है। अभ्यास मंडल के सदस्यों ने मुख्य रूप से विकसित की जाने वाली योजनाओं में शामिल ग्रामों के तालाब नुमा संरचना को संरक्षित किए जाने पर बल दिया। साथ ही मास्टर प्लान में विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे बदलाव के संबंध में अपने अमूल्य सुझाव दिए। बैठक में अभ्यास मंडल के साथ संपन्न बैठक में मुख्य रूप से रामेश्वर गुप्ता, सीबी सिंह, माला ठाकुर, मुकेश चौहान, सुनील जैन उपस्थित थे। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ संपन्न बैठक में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश अध्यक्ष योगेश मेहता, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सचिन बंसल, स्टील रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मित्तल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष दर्शन कटारिया, दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आज इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड कक्ष में हमारे इंदौर शहर के जो प्रमुख उद्योग से संबंधित ऐसे महानुभाव जिन्होंने इस शहर को प्रदेश और देश में नाम दिया है, ऐसे प्रमुख उद्योगपति और उद्योग से संबंधित गणमान्य नागरिकों से यहाँ आज बातचीत की है। उद्देश्य ये था कि हम इंदौर विकास प्राधिकरण का बजट बना रहे हैं और शहर का प्रत्येक व्यक्ति उससे कनेक्ट होना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए और उसके अनुरूप बजट बनना चाहिए, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो या अन्य क्षेत्र हो। आज बहुत ही सकारात्मक सब लोगों ने सुझाव दिए हैं, उससे निश्चित ही हमको आने वाले समय में किस दिशा में बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए, इसमें सुविधा होगी और उनके अनुरूप हम ये सब कर पाएंगे। उनके सुझाव के आधार पर हम एक बाहरी रिंग रोड बनाने का जो प्लान कर रहे हैं, उनको सबको साथ में लेकर के एक जो क्लस्टर की प्लानिंग है वो भी आगे करेंगे। ऐसा सब लोगों का सुझाव भी था और हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। चावड़ा जी ने बुलाया और अपने विचार रखे लघु उद्योग भारतीय इंदौर के माध्यम से, और हमारा सोच है कि महिलाओं के लिए एक अलग क्लस्टर बनाया जाए और जो इनका एक आउटर रिंग रोड बन रहा है वहाँ ऑटोमोबाइल, मसाला उद्योग, दाल मिल के लिए एक अलग अलग टाइप के 100-100 200-200 एकड़ के क्लस्टर बनाए जाएं और वो हम ऐसा चाहते हैं कि और वो सारे सक्सेस रहें, ऐसी हमारी भावना है। इस तरह का प्रयास पहली बार विकास प्राधिकरण, हाँ इस बार, हाँ इस बार प्राधिकरण बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं और चावड़ा जी के आने के बाद तो बहुत ही अति उत्तम चावड़ा जी के विचार हैं और साथ में मैं उनके साथ में काम करने वाले उनके अधिकारी कर्मचारी सबको बधाई देता हूँ कि उनको इस टाइप के अध्यक्ष मिले। आज इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड कार्यालय में
यहाँ पर जो आगामी बजट आ रहा है आईडीए का, उसको लेकर कुछ हमने सुझाव दिए, कुछ हमारी मांगे हैं जो औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें, इसके अतिरिक्त जो आगामी जो इंदौर का नक्शा बनने वाला है, इंदौर का भविष्य तय होने वाला, उसमें कई सुझाव दिए जिसमें औद्योगिक पार्क आईडीए द्वारा बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और कुछ बाजारों की प्रमुख मंडियाँ भी बनाई जाए, ये भी हमारी मांग है। योगेश मेहता, रिंग रोड के आसपास में औद्योगिक पार्क विकास किए जाए, उत्पाद आधारित औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उत्पाद आधारित पार्क बनाए जाए, और जिसका उद्योगपतियों ने काफ़ी सराहा है और आईडीए में इस बात को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। यही क्लस्टर है कि एक महिला उद्यमियों के लिए एक क्लस्टर का निर्माण किया जाए शहर के बीच में। इसके अलावा भमोरी में खाली प्लॉट पड़े, वहाँ कुछ छोटे छोटे प्लॉट बना, दुकानें बनाई जाए ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स और इनके लिए दुकानों के लिए, और इस प्रकार के बहुत सारे कार्य। मैं रोली मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष सतीश मित्र बोल रहा हूँ। हमने इनसे डिमांड की थी कि लोहा मंडी में रोली मिल वालों को भी जगह दी जाए ताकि हम अपने शोरूम गोडाउन बना सके, उसके बारे में चर्चा उन्होंने, इसके हम इस पर सोचेंगे और कोशिश करेंगे आपको दे रहे हैं। आप प्राधिकरण ने पहली बार इस तरह का प्रयास किया उद्योगपतियों को बजट बना रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। हम लोग अपने विचार उनके साथ हमने शेयर किए, उन्होंने बताया कि हम शहर के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं।